Hey, hi everybody, welcome again in Gen Interview. How are you my lovely people, beautiful people? कैसे हैं आप सब? I hope आप सब लोग स्वस्थ और व्यस्त हैं और साथ ही साथ मस्त भी हैं. व्यस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, टेंशन फ्री रहते हैं ना इसीलिए. तो आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ फेक लैशेज़ की. मैं आपके बात करने वाली हूँ कि कौन सी फेक लैशेज़ आजकल चल रही हैं, या मैंने एक जो फेक लैशेज़ प्रोडक्ट परचेज किया है, अमेजन से परचेज किया है दोस्तों मैंने, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में कैसा रहा और ये फेक लैशेस जो हैं आपको परचेस करनी चाहिए नहीं नहीं. तो देखिए दोस्तों, ये फेक लैशेस हैं, यहाँ पे मैक लिखा हुआ है, इस तरह से आप इसमें मैक पढ़ सकते हैं और इस तरह से ये फेक लैशेस हैं. इसके तकरीबन दोस्तों मुझे 5 पैक मिले हैं जिसमें जो लैशेस हैं उनके साइजेस जो हैं अलग अलग साइजेस हैं इनके. अगर आपको देखने को मिले अलग अलग साइजेस हैं इनके, तो ऐसी मेरे पास 5 मुझे मिली हैं. साथ ही साथ मुझे एक गम मिला है इनके साथ जो कि लैशेस को चिपकाने में मदद करेगा, इस तरह का एक है. मैं आपको अभी इसे एक सेपरेट विंडो में भी दिखा दूंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह एक गम मिला है, साथ ही साथ मुझे ये मिला है लैशेस को कर्ल करने वाला लैशेस कर्ल, यानी कि जब आप लैश लगाते हैं तो इस तरह से दबा के वो सेट हो जाती है. एक लैश कर्ल भी मिला है मुझे साथ में. तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ऑल ओवर जो मुझे मिला है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये मुझे थोड़ा टाइम हो गया इसको लिए हुए, अराउंड 3 मंथ्स मुझे हो गए इसको लिए हुए. तो मैं इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बता देती हूँ इसका प्राइस. तो जो इनका प्राइस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी. नीचे आप लिखा हुआ देख लीजिएगा, नीचे आपको दिखेगा कि प्राइस कितना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी दोस्तों. तो ये मैंने प्रोडक्ट लिया था, इसका अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ तो अभी जो मैंने लैशेस पहनी है, आप मेरे आंखों में लैशेस देख सकते हैं, मैंने यही वाली लैशेस को पहना हुआ है, अप्लाई किया हुआ है. आप देख सकते हैं किस तरह ये लैशेस लग रही हैं. तो इसकी जो लैशेस हैं उनकी अलग अलग साइज़ की थिकनेस है, लेंथ जो है वो भी अलग अलग साइज़ की हैं. ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इसको लेके, तो थोड़ी सी मुझे लगता है नेचुरल हेयर जो लैशेस होते हैं उस तरह की तो नहीं है, थोड़ी दिखता है कि थोड़ा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है. तो नेचुरल हेयर की लैशेस जो होती हैं उतनी ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं लैशेस के मामले में, अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं लैशेस को, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत बेहतरीन और चीप एंड द बेस्ट ऑप्शन ये मुझे दिखाई देता है आपको. जो उसके ग्लू है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा आपको सेट करने के लिए, यानी कि ग्लू जो है प्रॉपर सेट करने के लिए एक दो बार आपको लग सकता है टाइम इफ़ यू आर अ बिगनर. अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इजीली इसको कर देंगे. थोड़ी सी जो लेंथ होती है वो किसी भी लैशेस में दोस्तों क्या होता है कि कई बार जो इसके आगे की जो लेंथ होती है, इस तरह आगे की जो लेंथ होती है, ये थोड़ी आपको काटनी पड़ती है सीजर से, क्योंकि ये थोड़ी नुकीली होती है और आपको आंखों में चुप सकती है. अगर आप देखना चाहते हैं कि इन लैशेस को किस तरह पहना जाता है, इनका ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं फेक लैशेस का, तो वो भी मैं आपके लिए ले आऊँगी. मेरे ख्याल से जो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों इनके साथ, तो एक एवरेज एक्सपीरियंस है, नॉट बैड एंड नॉट वेरी गुड ऑल्सो, गुड आप कह सकते हैं इसका एक्सपीरियंस है. तो एक ट्राई आप इन्हें ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये लैशेस हैं और बिगिनर्स के लिए तो भाई ये सस्ती और बेस्ट हैं. आप अगर चाहते हैं कि आप थोड़े से स्टाइलिश लगें और अप टू डेट लगें, तो मुझे लगता है कि अगर आप मेकअप फ्रेंडली हैं, आपको अच्छा लगता है ट्रेंड में चलना, तो ये चीज़ आपके लिए एक नेसेसिटी हो सकती है और बहुत ही कम प्राइजेज में, साथ ही एक अच्छी क्वालिटी में अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो अमेजन से ये आप ले सकते हैं. लिंक जो है इसका मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इजीली जाके इसका लिंक पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ देख लीजिए. प्रोडक्ट के रिव्यू भी वहाँ दिए हैं, अच्छे रिव्यू हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए, और इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर देन फिर भी आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं. तो ये तो था दोस्तों आज की वीडियो के लिए. फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए जेन्युइन रिव्यू, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए.
मेरे पीछे जो ये बैकग्राउंड है, मुझे तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये बैकग्राउंड? मुझे खाली इसलिए लग रहा है दोस्तों, यहाँ सिल्वर प्ले बटन की कमी है यार, सब्सक्राइब करो, सिल्वर प्ले बटन दिलाओ। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो देखने के लिए, जेन्युइन रिव्यू की फैमिली बनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया।